नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह अम्मू आपके लिए बड़ी छांट छांट कर एक कहानी लेकर आई हैं। उस कहानी का नाम है बुद्धि का चमत्कार। मैं ये कहानी छांट के लाई हूँ जिससे वाकई आप सबको समझ में आए कि बुद्धि वाकई बड़ी ही चमत्कारी चीज है। बुद्धि से कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में हो जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बुद्धि का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात थी, बुद्धिचंद नाम का एक आदमी रहता था। थोड़ा गरीब था लेकिन बड़ा ही मेहनती और बहुत ही बुद्धिमान। अपनी बुद्धि के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर अपने गुजारे लायक वो कमा लेता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी, उस बेटी को वो बहुत प्यार करता था। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो सपने देखता था कि अपनी बेटी जब विवाह योग्य हो जाएगी तो बड़े ही धूमधाम से इसकी शादी करूंगा। अब बुद्धिचंद का एक पड़ोसी था, उसका नाम था लक्ष्मीचंद। वो धनी था, व्यापारी था और दिल का थोड़ा कम साफ था। खैर, बुद्धिचंद और लक्ष्मीचंद पड़ोसियों की तरह दोनों रहते। समय गुजरता गया, बुद्धिचंद की बेटी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई और उसकी शादी तय हो गई। बुद्धिचंद तो बहुत खुश था, फूला नहीं समा रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही शानदार तरीके से करेगा। उसने पैसे संजो के रखे थे, सब जुड़े हुए पैसों से वो तरह तरह की चीजों का इंतजाम कर रहा था। शादी का दिन करीब आता गया। थोड़े दिन रह गए थे कि बुद्धिचंद को हिसाब में थोड़ी सी गड़बड़ी लगी। उसे लगा, अरे मैंने जो हिसाब लगाए थे ये 1,000 रुपए की कमी पड़ रही है। अब मैं या तो कहीं इंतजाम में कटौती करूं, नहीं तो ये 1,000 रुपए कहां से आएंगे। किसी इंतजाम में कटौती करने का मन उसे रत्ती भर का नहीं था और पैसे आने का भी कहीं जुगाड़ नहीं मिल रहा था। इतने कम दिनों में 1,000 रुपए कैसे आएंगे। बुद्धिचंद चिंताग्रस्त हो गया। तैयारियां तो कर रहा था लेकिन चिंता उसको सताने लग गई। लक्ष्मीचंद ने उसकी चिंता को देखा और उसने सोचा कि ये तो बड़ा खुश हाल व्यक्ति हमेशा से रहा है, अब ये अचानक इसके चेहरे पर हमेशा चिंता के बादल क्यों मंडराते हैं। एक दिन उसको बुलाकर पूछा कि भाई बुद्धिचंद, तुम मेरे पड़ोसी हो, फिर तुम्हारी बेटी का विवाह हो रहा है, इतनी तैयारियां कर रहे हो, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे पर मैं परेशानी की लकीरें देख रहा हूं। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो भाई। प्यार से पूछे जाने पर बुद्धिचंद को भी लगा कि अपना दुख बांट ले। उसने कहा, लक्ष्मीचंद जी मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आपका बढ़प्पन है कि आपने मेरे दुख को देखा, मेरी चिंता को देखा और उसका कारण पूछ लिया। और आप तो जानते हैं कि मेरी इस इकलौती लड़की की शादी के लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं, पूरे भी कर रहा हूं, लेकिन 1,000 रुपए की अचानक तंगी हो गई है, कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए परेशान हूं। अरे 1,000 रुपए तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं भाई पड़ोसी हूं तुम्हारा, शुभ चिंतक हूं, इतने सालों का साथ है, इतनी मदद भी नहीं कर सकता क्या मैं। लक्ष्मीचंद ने उसको कहा। बुद्धिचंद ने जैसे ही सुना उसे तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, अरे आप मुझे 1,000 रुपए की मदद करेंगे। हाँ हाँ भाई बिल्कुल करूंगा, लक्ष्मीचंद ने कहा उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए। भगवान का लाख लाख शुक्र, आपसे मैं ये उधार के तौर पे लूंगा और एक एक पैसा जल्द से जल्दी चुका दूंगा और हमेशा
पूरे जीवन मैं आपका आभारी रहूंगा। अरे क्या बात करते हो, बेटियां तो सबकी होती हैं। तुम्हारी बेटी की शादी के समय ये 1000 रुपए काम आ गए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा कहकर लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद को वो 1000 रुपए दे दिए। बुद्धिचंद तो फूला न समाया, पूरी इच्छाएं उसने अपनी पूरी की, सपने पूरे किए और बहुत शानदार शादी की। लड़की विदा हो गई, ससुराल चली गई। बुद्धिचंद थोड़ा उदास हो गया कि इतनी लाड से प्यारी पाली हुई लड़की ससुराल चली गई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपने घर में गई है और अपना संसार बसाने गई है। बुद्धिचंद अपने काम में लग गया। अब इधर लक्ष्मीचंद धनी तो था, उसके मन में लेकिन खोट था। वो जानता था कि बुद्धिचंद की जरूरत के समय अगर वो काम उसकी मदद कर देगा, उसका फायदा वो उठा सकता है, लक्ष्मीचंद उठा सकता है। और उसने ऐसा ही किया। थोड़े ही दिन निकले थे कि उसने लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद को बुलाया और उससे कहा कि भाई शादी हो गई है, कुछ दिन भी निकल गए हैं, अब भाई मेरे पैसे तो वापस करो, तुमने तो कहा था उधार ले रहे हो। बिल्कुल लक्ष्मीचंद जी, आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, थोड़ा सा वक्त बस दे दीजिए। लक्ष्मीचंद ने कहा, भाई मेरा तो ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ये मेरी भूल तो नहीं थी, ये तो तुम अब टाल मटोल करने लग गए। अरे नहीं लक्ष्मीचंद जी, बुद्धिचंद ने कहा, ऐसा तो कतई मत सोचिए, धीरज रखिए, मैं अपना कर्ज अवश्य वापस कर दूंगा, मैं बिल्कुल बेईमान नहीं हूं, और वो भी लड़की की शादी के लिए लिया गया कर्ज तो हमेशा मेरे पर भार रहेगा, जब तक मैं उसको उतार न दूंगा, मेरी खुद ही रातों की नींद मुझे नहीं सोने देगी। लक्ष्मीचंद ने कहा, भाई सुनो एक बात, इंसान की फितरत का कोई भरोसा नहीं होता है, अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत चलो, वहां न्यायाधीश के सामने मुझे लिख कर दे दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना ये घर मेरे पास गिरवी रखा है, नहीं तो क्या मालूम किस समय तुम अपनी बात से पलट जाओ, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना, 1000 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी होती है। बुद्धिचंद ने कहा, अरे लक्ष्मीचंद जी, ये अदालत की बात आप क्यों करते हैं, न्यायाधीश के सामने जाने की बात कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और बस थोड़े ही दिनों में लौटा दूंगा। पर लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद की एक भी बात ना सुनी, वो तो अपनी जिद पर अड़ गया कि बुद्धिचंद तुरंत अदालत चले और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके घर उसके नाम गिरवी रख दे। उसके मन में ये खोट थी कि भाई ये पैसे चुकाएगा नहीं तो उसका ये जो घर है मैं अपने कब्जे में कर लूंगा और मेरा घर और भी बड़ा हो जाएगा। उस मकान को वो हड़पना चाहता था। वो जानता था कि बुद्धिचंद गरीब है, इतनी जल्दी 1000 रुपए कैसे चुका देगा। अब बुद्धिचंद तो बुद्धिमान था, लक्ष्मीचंद की इस जिद को देखकर बुद्धिचंद उसकी मन की बात को भांप गया। उसने फिर से एक बार कोशिश की, लक्ष्मीचंद जी मैं फिर से आपसे विनती करता हूं कि आप धीरज रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बहुत थोड़े दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, पाई पाई लौटा दूंगा। भाई बार बार एक ही बात मत करो, लक्ष्मीचंद ने कहा, तुम अब तो मुझे नाराज कर रहे हो, चुपचाप अदालत चलो और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके बात खत्म करो, तुम लौटा देना पैसे, अपने ये कागज वापस ले जाना, उसमें क्या बात है, घर मेरे नाम गिरवी रहेगा। अब लक्ष्मीचंद की इस जिद को देखकर बुद्धिचंद के मन में भी एक योजना ने जन्म लिया। उसने कहा, ठीक है आप जैसा कहते हैं, आपको अगर इसी में तसल्ली होती है, मैं अदालत चलने को तैयार हूं,
पर मैं अदालत जाऊं कैसे? अदालत इतनी दूर शहर में है, मेरे पास ना तो घोड़ा है ना गाड़ी। लक्ष्मी चंद ने तुरंत टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तैयार तो हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा। मेरे पास कितने घोड़े हैं, एक में मैं जाऊंगा, एक में तुम्हें अपना दे दूंगा घोड़ा। पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी कहाँ हैं लक्ष्मी चंद जी, ये इन फटे कपड़ों में जाऊं क्या? आपने तो देखा था लड़की की शादी में, एक ही मैंने नया जोड़ा सिलवाया था, अब वो पहनकर अदालत तो नहीं जा सकता ना, अब ऐसे गंदे फटे कपड़ों में जाऊं क्या, अच्छा लगेगा? बुद्धिचंद ने कहा, ये छोटी सी बात के लिए तुम चिंता कर रहे हो? लक्ष्मी चंद बोला, चलो तुम्हें मैं अपने कपड़े भी दे दूंगा, तुम वो कपड़े पहन लेना और मेरा घोड़ा ले लेना, और हम दोनों चलते हैं अदालत और जाकर वहां पर बस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके ये कि घर तुम्हारा मेरे नाम गिरवी रहेगा, कर्ज उतार दोगे, घर वापस तुम्हारे नाम हो जाएगा। ठीक है भाई लक्ष्मी चंद जी, जैसा आप चाहते हैं, मगर अब न्यायाधीश के सामने जाने के लिए तो पगड़ी पहननी पड़ेगी, नहीं तो वो तो न्यायाधीश माने सोचेंगे कि मैं उनकी इज्जत नहीं कर रहा हूं, और पगड़ी की व्यवस्था मैं अब कहां से करूं, मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं बेटी की शादी के बाद। बुद्धिचंद ने कहा, अरे भाई वो भी तुम्हें मैं दे दूंगा, और भी कुछ चाहिए क्या? लक्ष्मी चंद ने कहा, अरे लक्ष्मी चंद जी मेरे पास तो जूते भी नहीं है, नंगे पैर तो नहीं जा सकता ना इतनी दूर शहर, चलो मैं तुम्हें जूते भी दे दूंगा, मेरे जूते तुम्हें आ जाएंगे, मगर अब देर मत करो भाई, झटपट तैयार हो जाओ, तैयार होकर मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार हो लेता हूँ, घोड़ों की भी मैं व्यवस्था करने को कहता हूँ। लक्ष्मी चंद मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि भाई ये मान तो गया है, राजी हो गया है अदालत जाने के लिए, अब मन न बदल ले, इसीलिए जैसे भी करके इसको अदालत ले जाकर हस्ताक्षर करवा लेता हूँ। इस बात की लक्ष्मी चंद को बड़ी जल्दी थी और मन में तो खूब लड्डू फूट रहे थे, बस एक बार कागज मेरे नाम हो जाएंगे फिर तो तरह तरह से मैं इसको परेशान करूंगा और घर इसका मैं तो हड़प ही लूंगा, मेरे घर से घर में लाकर कितना विशाल एक भवन तैयार करूंगा। ये सब ख्याली पुलाव लक्ष्मी चंद अपने मन ही मन में बना रहे थे कि बुद्धिचंद वापस आया। लक्ष्मी चंद से उसने कपड़े लिए, कहा कि भाई आपने कहा था कपड़े देंगे, दे दीजिए, मैं जाता हूँ, तैयार होके आता हूँ। लक्ष्मी चंद ने उसे अपने कपड़े दिए, पगड़ी दी, जूते दिए और कहा, ये लो भाई जल्दी से तैयार होके आ जाओ, अदालत बंद ना हो जाए, हमें पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा, शहर कितना दूर है। बस अभी गया और अभी आया लक्ष्मी चंद भाई, आप बस यहीं रुकना। ऐसा कह के बुद्धिचंद चला गया और उसने वहां घर पे जाके लक्ष्मी चंद की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी बांध ली, पैरों में उसने जूते पहन लिए और लक्ष्मी चंद के घर पर आ गया। लीजिए भाई लक्ष्मी चंद जी, मैं आ गया, हाजिर हूं आपके सामने, घोड़ा तैयार है क्या? हाँ भाई घोड़ा तो बिल्कुल तैयार है, देखो बाहर बंधा हुआ है, तुम्हारा वाला भी मेरा वाला भी, चलो चलते हैं शहर। ऐसा कहकर दोनों एक एक घोड़े पर बैठ गए और दोनों घोड़े पर सवार अदालत पहुंच गए। वहां पर जाकर लक्ष्मी चंद ने नाम लिखा दिया और अपने नाम के बुलाने का इंतजार करने लगा। अदालत में जब लक्ष्मी चंद और बुद्धि चंद का नाम पुकारा गया तो भाई न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। वहां पर उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान ये बुद्धिचंद ने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए थे लेकिन अब उसको वापस करने में आनाकानी कर रहा है, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। न्यायाधीश ने कहा बुद्धिचंद से, क्यों भाई आपको कुछ कहना है? जी हुजूर, श्रीमान जी लक्ष्मी चंद जी का कहना है कि मेरा मकान, मेरे घर की सारी चीजें इनकी हैं,
इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, कुछ साल से ये ऐसा ही कर रहे हैं। हर थोड़े दिन में कहते हैं कि मेरा घर, मेरे घर की एक एक चीज इनकी है। पता नहीं इनको इलाज की जरूरत है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब आज जबरन मुझे अदालत में लेकर आ गए हैं कि न्यायाधीश के सामने जाकर इसका वो फैसला करना चाहते हैं। अब ये बताइए श्रीमान जी, मेरा घर तो मेरा है, मेरे घर की चीजें मेरी हैं, ये लक्ष्मीचंद जी की क्यों हो गई? अगर आप चाहें तो कृपया मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे दें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायाधीश ने लक्ष्मीचंद को बुलवाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। लक्ष्मीचंद जी, मैंने आपके कहे अनुसार बुद्धिचंद को आपकी शिकायत के बारे में बताया, तो बुद्धिचंद जी ने भी आपके खिलाफ शिकायत की है और आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांगी है। अदालत बुद्धिचंद को आपसे सवाल पूछने की इजाजत देता है, आपको उनके सवालों का जवाब देने का हुक्म मैं देता हूं। लक्ष्मीचंद जी ने कहा, जी श्रीमान, आपका हुक्म सर आंखों पर। बुद्धिचंद जो सवाल पूछना चाहे पूछ लें, मैं जवाब देता हूं। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीचंद से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मीचंद ने कहा, मेरी है। मैंने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, कुर्ता पजामा, ये सब किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। मेरे हैं, और किसके? लक्ष्मीचंद ने कहा। और मेरे पैरों में जो जूते हैं, वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने कहा। जूते भी मेरे ही हैं भाई, लक्ष्मीचंद ने चीखते हुए कहा। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, ऊपर से नीचे तक हर चीज मेरी है। और जिस घोड़े पर सवार होकर मैं यहां कचहरी तक आया हूं, वो घोड़ा किसका है भाई? बुद्धिचंद ने पूछा। वह घोड़ा भी तो मेरा ही है, लक्ष्मीचंद ने ऊंची आवाज में खींच के कहा। पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े, सब, जो भी सब कुछ तुम्हारा है, सब मेरा है। लक्ष्मीचंद खींच गया था कि इसको मालूम है सब मेरे कपड़े, मेरा घोड़ा, सब कुछ लेकर बैठा है, और ये कैसे बेतुके सवाल पूछ रहा है? सब मेरे है ना, तुम्हें मालूम है, तुम मेरे से ही तो लेकर गए थे। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मीचंद का जवाब सुनकर ठहाका मान मार कर हंस पड़े। हर किसी को लगा लक्ष्मीचंद सच में पागल हो चुका है, उसे वाकई किसी इलाज की जरूरत है। अंत में लक्ष्मीचंद को डॉक्टर को दिखाने का आदेश जारी करके न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। लक्ष्मीचंद तो हैरान रह गया, उसको समझ ही में नहीं आया कि कहां से क्या हो गया। बुद्धिचंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मीचंद को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मीचंद के षड्यंत्र को पूरी तरह से विफल कर दिया। धूर्त के साथ धूर्तता के साथ ही पेश आना चाहिए, ये बुद्धिचंद ने हम सबको सिखा दिया है ना। कितनी समझदारी के साथ तुरंत बुद्धि का प्रयोग करके उसने पूरी योजना बना डाली और लक्ष्मीचंद के षड्यंत्र को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसीलिए बुद्धि को चमत्कारी कहते हैं बच्चों। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए, जितना इस्तेमाल करेंगे हमारी बुद्धि उतनी ही प्रखर होती चली जाएगी। कहानी अच्छी लगी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिए और बुद्धि का प्रयोग भी जरूर करिए। मेरा इंतजार फिर करिए, मैं एक नई कहानी लेकर आपके पास आऊंगी और फिर से एक सुंदर कहानी आपको सुनाऊंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।